हेलो, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एल जी विंग के ऊपर, टॉकिंग अबाउट बॉक्स एक्सेसरीज। आपको एक कवर मिलता है बॉक्स में, एक 3.5 mm USB-C अडाप्टर, एक सिम कार्ड इजेक्टर पिन एंड एट लास्ट एक USB-C टू USB टाइप ए केबल। टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड ओवरव्यू ऑफ द फोन, एज यू कैन सी लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिम कार्ड इजेक्टर स्लॉट मिलता है, जिसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। आप एक टाइम पे दो सिम कार्ड्स या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड का यूज़ कर सकते हो। एट द टॉप पॉपअप सेल्फी कैमरा, अ सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन। टॉकिंग अबाउट द राइट साइड, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन। नीचे की बात करें अगर तो एक USB-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड अ स्पीकर ग्रिल। अब इसके बैक साइड पर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो ये फ़ोन बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट स्मजेस आ चुके हैं। तो ये फ़ोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जैसे कि आप जानते होंगे। ये पूरा बैक एंड फ्रंट इज ऑल गोरिल्ला ग्लास 5। टॉकिंग अबाउट द कैमराज, यहाँ पे एक 12 megapixel कैमरा ऑफ f2.2 अपर्चर, 64 megapixel कैमरा और f1.8 अपर्चर एंड 13 megapixel कैमरा ऑफ f1.9 अपर्चर मिलता है। डुअल टोन LED फ्लैश है। नाउ कमिंग टू द मेन फीचर ऑफ दिस मोबाइल फोन, द स्विवल। मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, हमें एक 6.8 इंचेस की पी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एंड द सेकेंडरी स्क्रीन इज ऑफ 3.9 इंचेस जी एमोलेड डिस्प्ले। टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G 5G नेबल प्रोसेसर मिलता है पेयर्ड विद अड्रीनो 620 GPU, विच सेइंग इट्स प्राइस ब्रैकेट अराउंड 30,000 काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। इसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिलती है, जो कि अगर आप दोनों स्क्रीन को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हो तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ये आपको दिन भर भी चला के नहीं देगा फ़ोन। आपको एक बार शाम को चार्ज करना पड़ेगा अगर आप इसको दोनों स्क्रीन को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हो तो। इसमें आपको 25W वायर्ड चार्जिंग एंड 13W वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25W वायरलेस चार्जिंग आपको मिल पाएगी अगर आप एक क्विक चार्ज 4+ सर्टिफाइड चार्जर यूज़ करते हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी करेंटली इंडिया में नहीं है, और अगर कोई है ऐसा चार्जर तो बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें आपको 128GB रोम ऑफ UFS 2.1 एंड 8GB रैम मिल जाता है। इस फोन में डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, NFC, USB-C 3.1 एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि इतना फास्ट एंड एक्यूरेट नहीं है। इसकी एक ट्रिक है कि आप जब भी कोई फिंगर एनरोल करते हो तो उस सेम फिंगर का एक और फिंगरप्रिंट अगर आप एनरोल कर दोगे तो वो फिंगरप्रिंट जो ओपनिंग है, आप जो अनलॉक करते हो डिवाइस को, वो ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो जाएगी कंपेयर टू सिंगल फिंगर। और इसका वेट 260 grams है। ये दो कलर में आता है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक। टॉकिंग अबाउट मीडिया कंजम्पशन, इस फोन के ऊपर आपको बहुत अच्छा मीडिया कंजम्पशन का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पे यूट्यूब पे अप टू 4K 60fps HDR वीडियो देखने का ऑप्शन मिलता है। हाँ, ये फ़ोन HDR 10 सपोर्ट करता है और इसमें नो बेजल, बहुत कम बेजल है इस डिस्प्ले के अंदर, बहुत मिनिमल बेजल एंड नो नॉच डिस्प्ले है, इसलिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सीमलेस होगा कंपेयर टू अदर डिवाइसेज इन दिस प्राइस सेगमेंट। और नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime Video इट सपोर्ट्स वाइड वाइन 11, और अगर आप कोई भी वायर्ड या फिर वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करते हो
तो फिर इसमें जो LG का 3D साउंड इंजन है, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई भी ईयरफोन यूज़ करते हो वायर्ड और वायरलेस, तो फिर आपको इसमें साउंड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड मिलती है कंपेयर टू द डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब वो फीचर जो इस फोन को इसके प्राइस सेगमेंट के हर फोन से यूनिक बनाता है, वो है इसका स्विवल डिस्प्ले। अगर आप कभी भी कोई कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हो, जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो फिर आप उस व्हाट्सएप मैसेज को अटेंड कर सकते हो अपना कंटेंट डिस्टर्ब किए बगैर। फॉर एग्जांपल, ये यूट्यूब वीडियो चल रहा है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया, तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी अटेंड कर लिया और मेरे यूट्यूब वीडियो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। या फिर आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमेज़न प्राइम ऊपर चल रहा है और नीचे मैं व्हाट्सएप चला सकता हूँ, या फिर ऊपर यूट्यूब नीचे क्रोम, और आप इसको एज अ लैपटॉप के ट्रैक पैड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। Any other uses of the secondary display, I'll make a separate YouTube video showing the functionality and the uses of the second display. Talking about the problems you can face with this phone, मैं इस फोन को पिछले दो हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ और टेक माई वर्ड, इस फोन को आप रफ यूज नहीं कर सकते। इस फोन को आपको बहुत ही संभाल करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्विवल मैकेनिज्म है, और अगर ये स्विवल मैकेनिज्म ख़राब होता है तो LG ने बताया है कि वो एक साल तक की वारंटी और 5 साल तक की सर्विस देंगे। लेकिन आपको भी पता होगा कि LG ने अपना स्मार्टफोन डिवीज़न बंद कर दिया है, इसकी वजह से कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो कब तक लास्ट करेगा, या फिर जो LG ने बोला है वो उसको स्टैंड करते हैं कि नहीं। इसमें आपको ये चीज़ संभाल करके इस्तेमाल करनी है कि ऑन फ्रंट स्क्रीन एंड द स्विवल स्क्रीन, आपको दोनों के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा करके चलना है, क्योंकि इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो कैमरा के ऊपर विजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर स्क्रैचेस हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा है कि मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ था, इसलिए मेन स्क्रीन के ऊपर नहीं है, सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर है, लेकिन आपको स्क्रैचेस देखने मिल सकता है सेकेंडरी स्क्रीन पे। और अगर आपके इस मैकेनिज्म के बीच में स्क्रीन के बीच में डस्ट जाती है, तो फिर इसमें आपको काफ़ी इशू हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मेटालिक हिंज है, इसके अंदर अगर डस्ट जाती है तो उसका मोशन इतना स्मूथ नहीं होने वाला, और उसमें आपको और भी इशूज हो सकते हैं। इसमें पॉपअप मैकेनिज्म है कैमरा के लिए, जिसके अंदर भी आपकी डस्ट नहीं जानी चाहिए। आपको इस फोन को पानी से बिल्कुल दूर रखना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसमें दो डिस्प्लेज हैं, एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस फ़ोन को संभाल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस फ़ोन को आपने 30,000 पे ख़रीदा है, लेकिन ये फ़ोन रिटेल हुआ था 70,000 का, और अगर आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हो फ्रॉम ऑथराइज्ड LG सर्विस सेंटर्स और कहीं और से भी, तो इस फ़ोन को एज अ 70,000 के फ़ोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट या फिर कैमरा रिप्लेसमेंट कोई भी अगर इशू आती है, तो उसका प्राइस जो है वो आपको 70,000 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने 30,000 में खरीदा है, लेकिन ये फोन 70,000 का था। नाउ कमिंग ऑन द फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये फोन फॉर 30,000 इज अ गुड ऑप्शन और नॉट? अगर आप बहुत ही ज़्यादा पावर हंग्री यूजर हो, जिसे एक डिवाइस गेमिंग के लिए चाहिए, या फिर उसको डिवाइस चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, या आप चाहते हो ऐसा डिवाइस कि आगे जाकर के कम से कम 3 से 4 साल तक उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम ना हो, तो फिर ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। अगर आप एक 30,000 के अंदर ऐसा डिवाइस चाहते हो जिसको आपको हाथ में पकड़ के बहुत प्रीमियम फीलिंग आए, जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा हो, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो दिस इज़ द डिवाइस यू शुड पिक। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप जैसे नॉर्मल फोन को ट्रीट करते हो, वैसे इस फोन को ट्रीट नहीं कर सकते। आपको जैसे आप पॉकेट में डाल लेते हो और उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स हैं, तो आपके स्क्रीन में या फिर स्विवल मैकेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा इशू आएगी। और जैसा कि आपको पता है कि LG का स्मार्टफोन डिवीज़न बंद होने वाला है या फिर बंद हो चुका है, तो फिर इसकी सर्विसेज आपको कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसका कोई आइडिया नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपके क्वेश्चन पर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।